Hi guys, welcome back to my channel which is Easy Nursing Notes 14. So in today's video I will tell you about inevitable abortion. Inevitable का मतलब क्या होता है? Inevitable मतलब unavoidable. कोई ऐसी चीज जिसको आप avoid नहीं कर सकते. So what happens in inevitable abortion? It's a type of abortion where the changes has progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible. Inevitable abortion एक ऐसा abortion का type है जहां पे patient की state वहां तक progress कर जाती है जहां से हमें pregnancy को continue करवाना impossible हो जाता है. Okay? This is the meaning of inevitable abortion. Inevitable abortion is a type of abortion only. इनएविटेबल अबॉर्शन के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? इससे पहले जब मैंने आपको थ्रेटन्ड अबॉर्शन बताया था, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बताया था, उनके भी क्लिनिकल फीचर्स बताए थे, आप मेरी पास्ट वाली वीडियोस में देख सकते हैं. सो इनएविटेबल अबॉर्शन के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? नंबर वन, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग. वेजाइनल ब्लीडिंग पेशेंट को इंक्रीज होती रहती है. स्टार्ट हुई वेजाइनल ब्लीडिंग, अब वो ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी. सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, कोलिकी टाइप. पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग होने के साथ साथ सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, उसके लोअर एब्डोमन में बहुत तेज पेन होने लगेगा, कोलिकी टाइप का पेन, इतना जबरदस्त पेन कि पेशेंट रो भी सकता है, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल क्राइंग वाले होंगे, काफी तेज सीवियर पेन होगा उसको. थर्ड क्लिनिकल फीचर, जर्नल कंडीशन इज प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस. जितना ज्यादा उसको ब्लड लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जर्नल कंडीशन भी हो जाएगी. अगर ज्यादा ब्लड लॉस होता रहेगा तो क्या होगा? दैट विल लीड टू द सो मच वीकनेस. पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, शॉक में जा सकता है. सो कितना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उस हिसाब से उसकी जर्नल हेल्थ कंडीशन भी हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग, जब पेशेंट का पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, मींस इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाएगा. सो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन रिवील डायलेटेड इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स थ्रू विच प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आर फेल्ट. जब पेशेंट इन सब सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, पीवी करने पे ये पाया जाएगा कि जो सर्विक्स की इंटरनल ओस है वो खुल गई है, डायलेट हो गई है, और उस डायलेटेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उनको भी फील किया जा रहा है, वो भी फील हो पा रहे हैं. तो पेशेंट को जब पीवी करेंगे तो डायलेटेड इंटरनल ओस मिलेगी जिसके थ्रू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन भी फील हो जाएंगे. नाउ वी कम टू द मैनेजमेंट. इनएविटेबल अबॉर्शन की मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट ये है कि हम सबसे पहले स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करें. टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, एसेप्सिस का ध्यान रखना है, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस को मेंटेन करना है. सेकेंड थिंग, टू एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन. क्योंकि एक्सपल्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, प्रेगनेंसी का जो ये लॉस है ये स्टार्ट हो गया है, इस स्टेट को हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते. जैसा कि इसकी डेफिनेशन में था, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती. तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारे लिए यही मैनेजमेंट होगी कि हमें इसे और आगे कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, हमें एसिलरेट करवाना पड़ेगा इस प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन को, क्योंकि इंटरनल ओस डायलेट हो गई है तो उस प्रोसेस को हमें और आगे एसिलरेट कराना है, बढ़ाना है, ताकि एक्सपल्जन हो जाए उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का. टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू लुक आफ्टर जर्नल कंडीशन ऑफ पेशेंट. फिर उसके हिसाब से अब जैसी पेशेंट की जर्नल कंडीशन है उस जर्नल कंडीशन को देखते हुए हमें एप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेने हैं. पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जर्नल कंडीशन उसकी लो होती जा रही है, तो हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा उसकी जर्नल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए. एक्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी कोई पेशेंट इनएविटेबल अबॉर्शन के साथ आता है डॉक्टर्स के पास, सो एक्टिव ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? बिफोर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, अगर उसकी जेस्टेशन 12 वीक से पहले की, अगर 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है, तो पेशेंट का क्यूरिटेज करा जाता है यूट्राइन कैविटी का, और फिर डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कर दिया जाता है.
सर्विक्स को डायलेट करेंगे, यूट्राइन कैविटी क्यूरेट करी जाएगी और डीएनई प्रोसेस कर दिया जाएगा. मतलब डीएनई मीन्स डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. सर्विक्स को डायलेट करके जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको इवैक्यूएट करा जाता है, बाहर निकाल दिया जाएगा. सो ये एक्टिव ट्रीटमेंट होगा बिफोर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. ओके, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से बात की, अगर जेस्टेशन 12 वीक से ज्यादा की है तो एक्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा? तो एक्टिव ट्रीटमेंट आफ्टर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 12 हफ्ते की बाद की प्रेगनेंसी में क्या एक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है? नंबर वन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इज एसिलरेटेड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप. ऑक्सीटोसिन का ड्रिप स्टार्ट कर दिया जाएगा 40-60 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट से. ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट कर दिया जाएगा पेशेंट को ताकि उसके यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो एसिलरेट हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाए, इसलिए ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट कर दी जाएगी. सेकेंड पॉइंट, इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेल्ड एंड प्लेसेंटा इज रिटेन्ड, इट इज एक्सपेल्ड बाय ओवम फोर्सेप्स. दूसरी कंडीशन, अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एक्सपेल्ड हो चुका है, बाहर आ चुका है, लेकिन प्लेसेंटा रिटेन्ड है, प्लेसेंटा अंदर ही है, तो ऐसी कंडीशन में हम ओवम फोर्सेप की हेल्प से प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे, उस रिटेन्ड प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे. थर्ड मैनेजमेंट का पॉइंट, इफ प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड, प्लेसेंटा भी सेपरेट ही नहीं हुआ है, डिजिटल सेपरेशन फॉलोड बाय इवैक्यूएशन अंडर जीए. अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में डिजिटल सेपरेशन करा जाता है प्लेसेंटा का. कब? अंडर जीए. पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इवैक्यूएशन करा जाता है, डिजिटल सेपरेशन करके प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है. किस कंडीशन में? अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है. सो आफ्टर 12 वीक्स एक्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या तीन चीजें हैं? नंबर वन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को एसिलरेट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा दिया जाएगा. कैसे? ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट कर दी जाएगी 40-60 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट पे. दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट एक्सपेल्ड आउट हो गया है लेकिन प्लेसेंटा रिटेन्ड है, ऐसे में प्लेसेंटा को कैसे एक्सपेल्ड आउट करेंगे? बाय यूजिंग ओवम फोर्सेप्स. थर्ड पॉइंट, अगर प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ है तो उसे डिजिटली सेपरेट किया जाएगा फॉलोड बाय इवैक्यूएशन अंडर जर्नल एनेस्थीसिया. सो दिस वाज द एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट आफ्टर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इनएविटेबल अबॉर्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत सिंपली वे में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.